हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धोनी व्लॉग्स में। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पर। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ स्कूल से घर पर, और आते ही मेरे को सबसे पहले है, अब पहले क्या काम होता था, मैं सबसे पहले आते ही फ्रेश होता था, लेकिन अब मैं सबसे पहले फ्रेश होने के बाद क्या काम करता हूँ, अपनी बेटी जूनी को मैं गोद में लेता हूँ, जो कि मुझे सबसे पहले अब आकर निदा के बाद घर जूनी से मिलना होता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं खाना वाना खा के फ्रेश होकर बिल्कुल अब लेटने वाला हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरे साथ क्या हुआ था, थोड़ी चोट लग गई थी मेरे रास्ते में, तो उस वजह से थोड़ा दर्द है। तो अभी बिल्कुल पेन किलर वगैरह लेकर मैं लेटने जा रहा हूँ, और निदा से मिलवाते हैं कि वो क्या कर रही हैं। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? चीकू, ये देखिए, ये चल रहे हैं गाइस यहाँ पे चीकू। ये चीकू किस खुशी में खाए जा रहे हैं? मुझे बोला है, मुझे तुम्हें बोला है चीकू ने, सबने के चीकू खाने चाहिए। ओके, तो आपने व्लॉग देखा अपना? हाँ, कैसा लगा? हमारा अपना हमें तो अच्छा लगा, व्यूअर्स को अच्छा लगना चाहिए। स्पेशली आपके पोएम। देखो भाई जी, कितना फैलावा बना के रखती है, मैं आपको दिखाता हूँ कितना फैलावा करके रखती है लड़की। क्या फैलावा? एक बार ये देखिए कैसे ये सामान फैला हुआ है, आपको ये देखिए, ये देखिए, सब सारा जूनी का सामान रखा है मेरा, इनमें से कुछ ये नहीं। देखो एक बार आप सब देखिए, फोन के अलावा। और ये कपड़े वपड़े कब बदले जाएंगे भाई? आपने उसके बाद डायरेक्ट ब्लॉग शुरू कर दिया, बदले जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ा सा आराम करने के बाद। हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा सी सेक्शन हुआ है और मैं पार्लर अभी नहीं जा पा रही, और घर में छोटा सा एक फंक्शन है, तो मुझे अपनी थ्रेडिंग करानी थी और क्लीन अप कराना था। तो हमने फर्स्ट टाइम जो है, हमने सोचा कि ऑनलाइन हम अर्बन क्लैब से बुलाते हैं, तो आज हमने फर्स्ट टाइम अर्बन क्लैब की सर्विस के लिए बुलाया है। तो ये मिस मोनिका जो है मेरी सर्विस के लिए, मतलब क्लीन अप के लिए एंड थ्रेडिंग के लिए आई हैं। तो अभी मेरी थ्रेडिंग उन्होंने अच्छी करी है, तो अब मेरा वो क्लीन अप करेंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और मैं मिस मोनिका को आपको दिखा भी देती हूँ, इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ उनसे। हाय, आई एम मोनिका। हाय, तो आप लोग भी चाहें तो अर्बन क्लैब की सर्विस यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी सर्विस है। सबसे मेन बात यह है कि घर बैठे बैठे आपको सर्विस मिल रही है, तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप लोग पार्लर जाएंगे तो आपको वहाँ वेट भी करना पड़ेगा। तो मैं अपना जेन्युइन रिव्यू जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी मेरा फेशियल एंड क्लीन अप होगा, तो वो आपको मैं अभी दिखाऊंगी। तो क्या कह रही हैं आप? जूनी का रेड वाला रोम पर कहाँ पर है? जूनी का रेड वाला रोम पर है अलमारी में। नहीं, मैंने उस दिन सारे कपड़े रखे थे जब जूनी की अलमारी में है। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उस दिन सारे कपड़े हमने वो करे थे। काहे को आर्ग्यू करती हो भैया, जब धोनी की अलमारी में है तो है। नहीं है, मैं कह रही हूँ ना नहीं है। बैट लगा लो। इसमें क्या बैट लगा लो? चलो 20-20 रुपए की, ज्यादा नहीं, पर 20-20। ठीक है, ठीक, वादा करो बैट लगाओ। हाँ, डन। ऐसा नहीं पूरा हाथ मार के, डन। यस, चलो ये नहीं है वो। फिर
जो मैं लेकर आई थी। तुम लेकर आई थी मतलब? उसके साथ तो कैप भी है। ये नहीं है वो। यस, मैं शर्त जीतने वाली हूँ। काश ज्यादा पैसों की शर्त लगा लेती। रुको जरा, सबर करो। बोल नहीं है, नहीं। ओह शिट, ओह शिट। मजा आया। ओह माय गॉड, कोई शर्त हार चुका है, कोई शर्त हार चुका है। अरे मारो दी करो, मारो दी करो। चलो अब जल्दी से बेटे, 20 रुपए। अब बॉल उसको रोको, 20 रुपए निकालो। यार हमने कोई शर्त नहीं लगाई। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अभी पीछे भी 100 रुपए आ रहे थे ना, 20 दिए। चलिए बाद में मिलते हैं। हाँ भाई, 100 रुपए पहले के, 20 रुपए आपके कहाँ हैं? क्या 100 रुपए पहले के, 20 रुपए आपके? 100 रुपए दे दिए हैं आपको मैंने। भाई साहब अभी व्लॉग में शूट कर रहा था, अभी ही बोला 120 रुपए। अभी तुम अब मुकर रही हो? उस दिन आपने मेरे वॉलेट में से नहीं निकाले? बिल्कुल भी नहीं निकाले। मैं नहीं बताऊंगा। यार कितना झूठ बोल रहे थे, सच में। गाइस ये होती हैं लड़कियां जो 100-100 रुपए के लिए झूठ बोल देती हैं। झूठ कितनी आसानी से बोल लेते भाई। 120 रुपए नहीं देने? क्या नहीं देने, तो 20 रुपए दूंगी, 100 पहले ले चुके हैं। यार मैं आपकी तरह नहीं हूँ, 100 रुपए के लिए वादे के पक्के हैं। आप कितने सारी शर्तें जीत के भी आपने मेरे को दिए नहीं है। शर्तें जीत के दूंगा क्यों मैं? मतलब शर्तें जीत के दूंगा क्यों मैं? हार के मतलब मैं जीती थी और आपने मुझे दिए तक नहीं है बिल्कुल। कौन सी शर्त के? बहुत सारी हैं ऐसी, एक गिनवा दो। गाइस बात है ये कि इनको 100 रुपए देने नहीं है, ये पुराने 100 रुपए मार चुकी है, इसीलिए अब मैं इनसे हैंड टू हैंड लूंगा पूरे। भाई लाओ 20 रुपए दो चलो तुम। चलिए ठीक है भाई, सिर्फ मिलते हैं इनसे, पहले 20 रुपए ले लूंगा। 2000 years later फ्रेंड्स, आई थिंक आपने भी एक गेम खेला होगा कभी, 21 डेयर गेम। और अगर नहीं खेला है तो वो हम आज आपको खेलकर बताते हैं। निधा को भी ये गेम नहीं आता, मैं निधा को पहले ये गेम सिखाऊंगा, फिर उसके बाद ये गेम हम खेलेंगे। आपने भी नहीं खेला ना ये वाला गेम कभी, 21 डेयर गेम? ना। तो ये देखिए, अभी ये थोड़ा सा जूनी को ली हुई है, इनको मैं जब तक रूल्स बता देता हूँ। देखो भाई इस गेम में क्या होता है, काउंटिंग करनी होगी, ठीक है? 21 डेयर गेम है तो कितने तक होगी काउंटिंग? ऑब्वियस है, बोल 21 तक। लेकिन कैसे करनी होगी, एक बार मैं बोलूंगा डिजिट, एक बार आप बोलोगी, ठीक है? जैसे मैंने बोला 1, आप बोलोगी 2 या 3 या 4, लेकिन एक साथ आप मैक्सिमम 3 डिजिट बोल सकती हो, और मिनिमम 1 बोलना होगा, मैक्सिमम 3, ठीक है? जिसने लास्ट वाला 21 बोला वो हार गया, उसको डेयर करना होगा जो भी डेयर देंगे, ठीक है? 3-3 डेयर का खेलते हैं। मतलब 3 डिजिट एक साथ बोल सकते हैं? मैक्सिमम 3 बोल सकते हो, 2 भी बोल सकते हैं और 1 भी बोल सकते हैं, 4 नहीं बोल सकते, 4 नहीं बोल सकते, ठीक है? ठीक, समझ गई? पहले जूनी को लिटा दो फिर खेलेंगे। सो गई है, मैं लिटा देती हूं। ओके चलो जी स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 बोला, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 आया है तुम्हारे ऊपर, तो मैं तुम्हें डेयर दूंगा कुछ इजी सा ही दूंगा। तुम्हें मेरी 20 तक गिनती तक क्यों करना है? जुबेर तुम बहुत अच्छे हो। ये क्या मतलब इजी? 20 तक गिनती तक हट जल्दी, डेयर तो डेयर होता है, 20 तक गिनती तक करना है, डेयर डेयर होता है, इसमें करना क्या था? ये तो करना, जुबेर तुम बहुत अच्छे हो, 20 तक गिनूंगा मैं। यार जुबेर तुम बहुत अच्छे हो, 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 जुबेर तुम बहुत अच्छे हो।
दुबेर तुम बहुत अच्छे हो, दुबेर तुम बहुत अच्छे हो, दुबेर तुम बहुत अच्छे हो, सोलह ट्वेंटी 21 बोलो ना 21 ये दोबारा से दोबारा से दोबारा से मैं जीता इस बार तुम्हें डेयर देते हैं क्या डेयर दूं तुम्हें मैं जल्दी दो यार क्या डेयर दूं गेम खेलना है क्या डेरी देना नहीं आ रहा हाँ बेटू हाँ बेटू हाँ बेटू बेटू है आपके पास हमारा डेयर है हाँ तो डेयर है आपका आप जबान बाहर निकालिए और एक गाना गाइए ये है आपका डेयर ऐसे कैसे गा सकते हैं जबान निकाल के गाओ ये कैसे गा सकते गाना गाना है आपको जबान निकाल के आओ कैसे गाना है गाना गाओ देखो डेयर तो डेयर है बैठे बैठे डेयर दिया बैठे बैठे दिया बाहर कहीं जाना भी नहीं जल्दी ये जो ऐसे आवाज पूरा निकल रहा है ठीक है ना ज्यादा एक्टिंग मत करो सही से गा लो अच्छा हमको सिखा रिया है मेरे से नहीं हो रहा होगा होगा ट्राई करो जबान अंदर नहीं जानी है तेरे हर की मेहंदी जबान बाहर पहले ले तो आओ पहले जीत तो जाओ पहले जीतो तो तुम करो एक हाथ ऐसे करो मैं बता रहा हूँ एक हाथ ऐसे करना ठीक है एक हाथ ऐसे करना और यूं करो मेरे 10 बार करना है चलो दस बार करो कैसे ऐसे करो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये चलो करें कंटिन्यू फिर वन तुम्हें पता चलेगा तुमने पहले ही सोच लिया कि ये वाली काउंटिंग ऐसे कैसे होगा स्टार्ट तुम स्टार्ट कर लो तुझसे क्या हो रहा है अब मेरे सब लड़ गई क्या तुमने कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन
चलो हैट्रिक के बाद तीन तीन लगातार तीन लगातार तीन मैंने करे हैं। आपको क्या करना है? बेटे बेटे करना है, मैंने भी सारे बेटे बेटे वाले दिए हैं। आपको आपका डेयर ये है कि आपको पाउड बना के आपको पाउड बना के जो है मतलब आता ही नहीं बनाना जी नहीं आपको करना पड़ेगा बनाना ही नहीं आता मैं बता रही हूँ जो बना आपको पाउड बना के लड़की की आवाज में गाना गाना है। पाउड बना के लड़की की आवाज कैसे निकाल लूंगा? मुंह बंद हो गए आवाज कैसे निकलेगी जब पाउड बन जाएगा तो? ए, आप करके बताओ कैसे करना है। एक लाइन गा के ना आपको पाउड बनाना है जैसे कि एक करके तो बताओ की लाइन गानी है और करके तो बताओ एक गाना ही तो गाना है तो करके नहीं मैंने आपने मुझे करके भी दिखाया आपने पूछा नहीं था नहीं आपको करके नहीं बताया मैंने करके नहीं बताया था मैंने ये भी करके बताया ये भी करके बताया एक आपके बताओ कैसे करना है। जैसे शीला शीला की जवानी ये क्या है पाउडर बनाना है चलो गाओ कोई सा भी गाना गा सकता हूँ लड़की का लड़की की आवाज में लड़की की आवाज में कैसे गा लूंगा लड़की की आवाज में गानी मुन्नी बदनाम होए तेज तेज वो तो गया और गाओ ना पूरा पूरा गाना याद पूरा नहीं है खड़ा गाते हैं तो गाना से बताओ कोई मुझे तो कोई और गाओ जो कोई गाना भी तो बताओ मुझे तो लड़की को गाने नहीं आते शीला शीला की जवानी में ये भी इतने आता है बस शीला शीला की जवानी शीला शीला की लड़की की आवाज में शीला शीला की जवानी पाउट आपने नहीं बोला ना एक बार ही होता है जब मुझे आता ही नहीं गाना अगला करो यार नहीं आप स्टार्ट करो स्टार्ट करो मैं स्टार्ट करूं चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब मैं एक चीज करूंगी अब बस बैठे रहना है ओके आपको कुछ ही नहीं करना इस जेल में नहीं करूंगी इस जेल में आपको कुछ नहीं करना आपको सिर्फ बैठे रहना है अपना हाथ दीजिए गुदगुदी नहीं करोगे अपना हाथ दीजिए आपको सिर्फ बैठना है और कुछ नहीं करना है ठीक है ठीक है ये पापा का ये मम्मी का ये विदा का ये जुबेर का और ये जूनी का और ये बीच का चंदा डंग 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 नहीं नहीं ऐसे नहीं पढ़ना है मैंने कहा है आपको सिर्फ बैठे रहना है और कोई भी हाथ नहीं चलाना ये तो तुम अपना कुछ कर रही है मेरे साथ नहीं मेरे तरफ से कोई बात नहीं बैठे नहीं सकता सीधे तो एक काम करिए अपने ये डेयर देखो ये आप अपने डेयर पे हमेशा आना वाली कर रहे हो मैं हमेशा डेयर पे एक मिनट डेयर में तुम क्यों करोगे डेयर में मुझे करना है ना तुम क्यों उसमें कुछ कर रही हो ये तो तुम कर रही हो ना आपको क्या करना है मैं दूसरा दे रही हूँ बैठे बैठे का हाँ आपको यू करके अंगूठा चूसना और ऐसे आवाजें निकालनी है मतलब करो 1 2 3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 yes क्या आपको क्या करना है मैं बताता हूँ एक पेन चाहिए मुझे ये करवा के तुमसे कुछ और भी करवाऊंगा। देखो ये तुम्हें यहाँ पे फंसाना है यूं करके, ठीक है? यूं करके फंसाना है और साथ साथ हाथ पे यूं करना है, बस करना है 21 डे तक। मैं बताऊंगा कब तक करना है। नहीं आपने मेरा गाना पूरा नहीं। तो आप एक मिनट, जब तक मैं बताऊंगा जब तक करोगी, ऐसे कुछ नहीं हो रहा। ऐसे कुछ नहीं हो रहा। चलो 10 तक गिनती तक चलो ऐसे ऐसे करो, एक दो कैमरे की तरफ करो, तीन चार पाँच छ सात हिलाओ, हाथ आठ नौ दस बस अब बस खत्म। चलो सो गाइज आई होप कि आपको हमारे 21 डे चैलेंज पसंद आया होगा और आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ट्राई कीजिए। पांच में से चार गेम जीता हूँ मैं, पांच में से चार गेम वो आप चीटिंग करके जीता और एक प्यारी समझ गई। आप हारे भी ना, वो भी आपने पूरा नहीं किया। मैंने सारे डेयर एक्सेप्ट किए और सारे डेयर कम्प्लीट किए, तो मेरे अंदर इतनी डेयरिंग है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।